नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मंटू फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ ज़िले में ये भैंस है, जो कि ये भैंस दूसरी ब्यात में है। ये भैंस जिस किसान की है उसने इसे कुछ भी नहीं खिलाया है, सिर्फ हरा चारा, मात्र हरा चारा, केवल बाजरा खिला खिला के इस भैंस को रखा है। और इस भैंस को आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब भैंस है। इसकी देखिए चेहरे की बनावट, बस चरने जाती है इसकी सींग टूट गई है। आप इसका देखिए चेहरे की बनावट, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा देखने में ही लग रहा है कि एक अच्छी और अच्छी नस्ल में भैंस है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको इसको इसकी थनों की थनों दिखा रहा हूँ, थन दिखा रहा हूँ, थनों के इसके बीच में देखिए कितना गैप है। आप देख सकते हैं चारों थनों के बीच में इसके अच्छा खासा गैप है। और यह भैंस कम से कम अभी एक मंथ में बच्चा देगी, एक मंथ में, एक मंथ टाइम है, फिर भी यह भैंस अभी से देखिए इसका रंग रूप और रुबाब, ब्याने के बाद बिना खिलाए पिलाए कुछ भी यह भैंस कम से कम 4 लीटर 5 लीटर एक टाइम दूध करती है। देख सकते हैं आप इसको, और बिल्कुल शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाई अगर इसको खिलाएं तो कितना वास्तव में बहुत ही हरियाणा की भैंसों को फेर कर देगी। आप देख सकते हैं इसको, इसके थन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए दोस्तों, इसको इसका जो थन है, थनों के बीच में कितना बढ़िया गैप है। और जो इसका तीनों बाट है, जिसको हमारे यहाँ छिमी बोलते हैं, चारों उसकी छिमी एक तरह बराबर है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और प्यारी भैंस है। आपको मैं दिखाता हूँ इसको क्या क्या खिलाते हैं, सिर्फ मात्र बाजरा खिलाते हैं, हरा चारा, वो भी गर्म है, जो भैंसों को नहीं खिलाना चाहिए, गाभिन भैंसों को। देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने मात्र सिर्फ से बाजरा खिलाया है, हरा चारा, और ना ही इसको कोई दाना देते हैं, ना ही भूसा खिला रहे हैं। मैं इनसे मिला तो मुझसे आश्चर्यजनक हुआ कि इन्होंने इतना अच्छी भैंस रख के सिर्फ से बाजरा खिला रहे हैं। मैं जब इस भैंस को देखा तो मुझे देखने के बाद ऐसा लगा कि ये भैंस बहुत जानदार भैंस है, बस इसकी जो है कि अच्छे तरीके से केयर नहीं हो पा रही है। अगर इस भैंस को हम लोग जिस किसान की अगर उसे दाना देते हैं और अच्छे से खिलाते पिलाते हैं तो ये वाकई में लाजवाब भैंस होती, हरियाणा की भैंसों को फेल कर देती। मैंने इसके बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा की तो पता मुझे चला कि ये सीमन, इनकी एक भैंस थी उसको इन्होंने सीमन छुड़वाया था, ये उस सीमन की पाड़ी है। देख सकते हैं आप इसका रुबाब, देखिए किस तरीके से खड़ी हुई है, इसको बस खिलाए पिलाए नहीं है, इसके चेहरे की बनावट देख सकते हैं आप, देखिए बिल्कुल हरियाणा की भैंसों से मिलती जुलती एक अच्छी क्वालिटी भैंस है। देख सकते हैं आप इसको, आशा करता हूँ दोस्तों यह मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं अब कोशिश करता हूँ कि गांव से गांव में जाके, जो मतलब गांव में कुछ भैंसे हैं, किसान रखे हैं, उसको मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जिसे लोग केयर नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जो कि एक अच्छी भैंस को लोग उतना महत्व नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हमारा उत्तर प्रदेश पीछे है। ये छोटे से गांव की भैंस है, आप देख सकते हैं इधर कुछ भी ऐसा कोई फार्म वर्म कुछ भी नहीं है, एकदम गांव सब है, बाकी सब देखिए गांव है एकदम। अगर इसको खिलाना पिलाना अच्छे से इसका केयर करना रहता तो ये बहुत लाजवाब भैंस होती, एक टाइम का कम से कम 8-9 लीटर दूध देती। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, राम राम।